बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंटर की परीक्षा में सफल होने वाले तमाम छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और शिक्षा विभाग को भी काफी कम समय में रिजल्ट को प्रकाशित करने के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि समय पर रिजल्ट के प्रकाशन से छात्र छात्राओं को आगे की पढ़ाई और उच्चतर कक्षाओं में नामांकन के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, इससे उनका हौसला भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकाय में छात्राओं ने टॉप किया है। मुख्यमंत्री ने छात्राओं के इस प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए कहा कि इसके लिए छात्राओं के साथ ही उनके अभिभावक भी बधाई के पात्र हैं। छात्राओं की यह उपलब्धि महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है। बालिकाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वो हर क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रही है। मुख्यमंत्री ने सभी सफल छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मंगलवार को इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 का रिजल्ट घोषित कर दिया। इस बार इंटर परीक्षा में 83.70% परीक्षार्थी पास हुए हैं, जो पिछले साल से 3.55% अधिक है। वर्ष 2022 में 80.15% विद्यार्थी पास हुए थे। 5 सालों की तुलना में इस बार का रिजल्ट प्रतिशत बेहतर रहा। तीनों संकायों में लड़कियों ने ही टॉप किया है। पिछले साल की तरह इस बार भी लड़कों की तुलना में लड़कियों का पास प्रतिशत अधिक रहा है। लड़कियों का पास प्रतिशत 85.50 और लड़कों का पास प्रतिशत 82.1 रहा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं।